Hello friends, this is Manjari from Fool's Den and I am here to make the current affairs simplified. So, aaj hum August month ke 1st se 15th tak ke current affairs discuss karenge. And this is the only platform where we provide you with weekly current affairs. So, let us begin the current affairs for this August first 2 weeks. So, first we'll start with the national news. Hamari pehli news hai about interlinking of rivers. So, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का मतलब होता है कि दो रिवर्स, एक जिसमें कम पानी हो और एक जिसमें ज़्यादा पानी हो, उसको हम इंटरलिंक कर देते हैं जिससे कि दोनों का पानी बैलेंस हो जाए, ना फ्लड आए और ना ड्रॉट हो. तो जो फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किया गया था वो था केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, और वो मध्य प्रदेश में किया गया था. और अभी गवर्नमेंट सेकेंड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करने वाली है ऑफ कोसी एंड मेची रिवर ऑफ बिहार. तो ये हमें दोनों इंटरलिंकिंग रिवर्स का पता होना चाहिए कौन सी दो प्रोजेक्ट्स की गई हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल. तो इसका ओरिजिनल बिल 1967 में आया था, अभी इसको अमेंड करके इसमें जो नया क्लॉज डाला गया वो ये है कि अब गवर्नमेंट कोई भी इंडिविजुअल को जिसने टेररिज्म से रिलेटेड कुछ भी काम किया है तो उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, उनका ट्रैवल बैन कर सकती है और देयरबाय उनको टेररिस्ट घोषित कर सकती है. इससे पहले तो गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकती थी बट कोई इंडिविजुअल को टेररिस्ट नहीं कह पाती थी. बट अब चूंकि इसमें अमेंडमेंट कर दी गई है तो अब लोगों को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है. तो अभी हम देखते हैं कि हाफिज सईद जो लश्कर ए तैयबा के फाउंडर हैं उनको गवर्नमेंट ने फर्स्ट टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है और जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इज़ द सेकेंड इंडिविजुअल टू बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट. तो ये है कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन बिल के बारे में. नेक्स्ट है नेशनल मेडिकल कमीशन बिल. तो अभी राज्यसभा ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया है और एक नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया है उसकी जगह. और अब ये काउंसिल जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ये दोनों की रिक्वायरमेंट्स को एसेस करेंगे और जो भी है रिसोर्सेज चाहिए उनको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स जो भी है, सारा कुछ नेशनल मेडिकल कमीशन देखेगी अब. और इन्होंने एक नया एंट्रेंस टेस्ट भी लागू किया है जिसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट, जो फाइनल ईयर के MBBS स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे वो अपनी मनपसंद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस लाइसेंस भी ले सकते हैं. अब नेक्स्ट है टीबी के लिए दो न्यू वैक्सीन्स गवर्नमेंट ने जारी की है. एक का नाम है इम्यूवैक और एक का नाम है VPM 1002. तो ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पे शुरू हुई है कुछ 6 राज्यों में. नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो मुंबई से पुणे को इंटरलिंक करेगा और उसकी जो दूरी है उसको सिर्फ 35 मिनट में तय करा देगा. तो ये एक बहुत ही अविस्मरणीय प्रोजेक्ट आने वाला है इंडिया में और इसकी कुल लागत होने वाली है 70,000 करोड़ रुपए. नेक्स्ट न्यूज़ है कि लोकसभा फर्स्ट टाइम अब पेपरलेस होने वाली है. तो जो लोकसभा के स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला, इन्होंने घोषित किया है कि जो लोकसभा है अब उसमें हम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स बिल्कुल भी पेपर नहीं यूज़ करेंगे, इससे हमारे बहुत सारे रुपए बच जाएंगे. अब नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है. तो अमित शाह जी ने आर्टिकल 370 और 35A दोनों को खारिज कर दिया है. तो अभी हम पहले जान लेते हैं कि ये दोनों आर्टिकल्स किस बारे में हैं. तो पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 क्या कहता है. आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है. तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि 370 क्या करता है. ये पहले स्पेशल स्टेटस दिया करता था जम्मू एंड कश्मीर को बट अब इसे हटा दिया गया है तो अब जम्मू एंड कश्मीर पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल रहेगा एंड कुछ भी स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा. अब सेकंड आता है आर्टिकल 35A. 35A
आर्टिकल ये डिसाइड करता था कि कौन कौन से लोग हैं जिनको परमानेंट रेसिडेंट कहा जाएगा स्टेट का, और इनको स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, स्कॉलरशिप, जॉब्स, वेलफेयर एट्सेट्रा. तो जो नॉर्मल इंसान को नहीं मिल सकती, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के सिटीज़न को ही मिलेगी. पर अब ये दोनों आर्टिकल रद्द कर दिए गए हैं, और इससे अब जो नए नए चेंजेस लाए गए हैं वो ऐसा है कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रहेगा, नॉर्मल सिंगल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया रहेगा, नो फ्लैग, दो फ्लैग नहीं रहेंगे, सिर्फ एक फ्लैग रहेगा इंडिया का, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अब लगाई जा सकती है आर्टिकल 360, ये पहले एप्लीकेबल नहीं थी, और अब इलेक्शन हर 5 साल में होंगे, इससे पहले तक 6 साल में इलेक्शंस हुए जाते थे जम्मू एंड कश्मीर में. तो ऐसे करके कुछ कुछ नए चेंजेस कर दिए गए हैं. एक और चीज़ जो करी गई है वो ये है कि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं. तो जे एंड के इज द वन जिसके पास लेजिस्लेचर है खुद का, वेयर एज लद्दाख के पास अब लेजिस्लेचर नहीं है. ठीक है, इट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन. नेक्स्ट है पंचामृतम ऑफ पलानी टेम्पल को GI टैग मिल गया है. तमिलनाडु का एक टेम्पल है पलानी टेम्पल, उसमें जो भगवान को ऑफर किया जाता है पंचामृत, जो जागरी, ग्रेप्स, हनी, घी ये सब का मिश्रण होता है, अब उसे GI टैग दे दिया गया है. नेक्स्ट है कि फर्स्ट एवर स्पेस म्यूजियम ऑफ इंडिया टू बी इनॉग्रेटेड एट हैदराबाद. तो ये इसरो के साथ मिल करके फर्स्ट स्पेस म्यूजियम बनाया जा रहा है हैदराबाद में. नाउ वील बी डिस्कसिंग अबाउट एन अंडर वाटर ट्रेन जो कोलकाता में आने वाली है, और ये इंडिया की फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन होगी, 16 किलोमीटर, एंड हुगली रिवर में आएगी. नेक्स्ट न्यूज़ है एंटी मॉब लिंचिंग बिल के बारे में और ऑनर किलिंग के बारे में. तो दोनों ही बिल अब राजस्थान गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं, और इसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई है 1 to 5 lakh rupees. ठीक है, और ये बात हमें जानना ज़रूरी है कि राजस्थान इज़ नाउ द सेकेंड स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस बिल आफ्टर मणिपुर. मॉब लिंचिंग क्या होता है? मॉब लिंचिंग इज नथिंग बट कोई भी विक्टिम जिसकी डेथ हो जाए ड्यू टू अ मॉब. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग सम इंटरनेशनल न्यूज़, एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की इंटर सेशनल मीटिंग जो बीजिंग चाइना में होने वाली है. एंड इसकी जो पिछली मीटिंग थी वो थाईलैंड में हुई थी. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द मेकोंग गंगा कॉपरेशन. तो इसकी जो 10th मिनिस्टीरियल मीटिंग है, दिस इज़ गोइंग टू बी इन अगेन बैंकॉक थाईलैंड, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 6 countries जो मेकोंग गंगा कंट्रीज़ कहलाती है, जिनमें गंगा रिवर फ्लो करती है, एंड इसकी 11th मीटिंग होने वाली है वियतनाम में. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द कैजिन सारा लेक इन नेपाल. ये वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक बनने वाली है. तो ये नेपाल की लेक है विच इज़ अबाउट 4,919 meters एंड 4 kilometers लॉन्ग एंड 200 meters डीप. तो इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस द टिलीचो लेक एंड इट विल बी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक. नेपाल की करेंसी है नेपलीज रुपए, प्रेसिडेंट इज़ विद्या देवी भंडारी, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज खगड़ा प्रसाद शर्मा ओली. नाउ द न्यूज इज अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ ग्वेटमाला. सो अलेजांड्रो जियाटमेटी इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्वेटमाला. नाउ वी मस्ट नो दिस न्यूज कि फिजी में मिस्टर मदन लोकुर विल बी द न्यू सुप्रीम कोर्ट जज. ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट जज ऑफ इंडिया. द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट पापुआ न्यू गिनी विल बी द
country with highest number of living languages in the world. Idhar pe 7111 living languages hain, and India is the fourth country with 453 living languages at present. Living language ka matlab hota hai jo bhi language at present use kari jaye logo dwara. And United Nations ne is saal ko International Year of Indigenous Languages ghoshit kiya hai. Next news is about Shanghai Cooperation Organization. Pehle hum dekh lete hain kaun kaun si countries SCO members hain. It is China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and recently India and Pakistan are also members of SCO. Iski headquarters hai Beijing, China mein, and it was formed in 2001. Toh ye news hai abhi ki Russia mein ek center exercise karke hone wala hai jo India aur Pakistan bhi participate karenge. This is one of a major military exercise jo Russia mein hoga. Next news is about a bird, uska naam hai Heracles inexpectatus, jo ki world ki largest bird ban chuki hai. And it lived 19 million years ago. Iska nickname hai Squawkzilla, and it is a bird of New Zealand. Next news is about India ki ranking. So India is the 7th largest economy in the world as per the World Bank, and India ka jo GDP hai wo 2.65 trillion se 2.7 trillion ho chuka hai. USA is the first country jiski GDP hai 20.5 trillion dollars. Now we'll be discussing about some awards. So Serena Williams ko Forbes magazine ne fourth time highest paid women घोषित कर दिया है. इनकी जो अर्निंग है वो है 29.2 मिलियन डॉलर्स. द नेक्स्ट इज अबाउट रमन मैग्सेसे अवार्ड. रमन मैग्सेसे अवार्ड एक फिलिपीन के प्रेसिडेंट ने शुरू किया था उनके नाम पे, एंड ही वाज अ ग्रेट फिलान्थ्रोपर. सो दिस इज अ एशियन नोबेल प्राइज, and this time it's given to Mr. Ravish Kumar, who's a NDTV senior executive editor. So he got the Raman Magsaysay award apart from four other individuals. Ab Naz Joshi has won the Miss World Diversity title for the third time. So this is a beauty pageant title, and it was in Port Louis, Mauritius. Now we'll be discussing about National Film Awards 2019. So this time the Best Actor Award is shared between these two people. This is Vicky Kaushal and this is Ayushman Khurana. So both of them have won the Best Actor Award for their movies respectively. And for Best Direction, again the movie Uri has won the Best Direction Award by the director Aditya Dhar. And Best Actress Award goes to Kirti Suresh. She is a Telugu actress for her film Mahal Natti. The next news is about APJ Abdul Kalam Award. So this award is won by our ISRO chief and chairman Mr. K. Sivan. So he won this award for his leadership in Chandrayaan mission second. Now we'll be discussing about some major appointments. So Mr. Giriraj Prasad Gupta is the new Comptroller and General Accounts of India, and this comes under the Ministry of Expenditure, Ministry of Finance. So next news is about the first woman president of Indian National Science Academy. So Mrs. Chandrima Shah, she is the one. She is the new women president of INSA. Now the Yes Bank has appointed its new CFO, that is Chief Financial Officer, replacing Raj Ahuja. So they have appointed this person as their new CFO, Mr. Anurag Adalka.
Now, let us see something about Central Drug Standard Control Organization. This body has elected their new Drug Controller General of India, DCGI, as Mr. V.G. Somani. He is the person, and this comes under the Ministry of Health and Family Welfare. ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि exam में generally आ जाता है कि CDSO कौन सी ministry का part है. Now we'll be discussing about some important days. So first is कि from August 1st to 7th there was the World Breastfeeding Week. It happened over 120 nations and इस बार का theme था empower parents, enable breastfeeding. The next news is about Quit India Movement, जिसके 77 years complete हो चुके हैं. तो ये 8 August 1942 में शुरू हुआ था और इस साल इसका 77th year था. तो ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे कुछ national movements related question आ सकते हैं exam में. The next news is कि August 9th is celebrated as the International Day of the World's Indigenous People. इस बार की theme थी Indigenous Languages, जिसके बारे में हमने discuss भी किया था. Next news is about Biofuel Day. So 10th of August is celebrated as the World Biofuel Day and Rajasthan is the first state to implement a biofuel policy. August 12th is the International Youth Day and इस बार की theme थी Transforming Education. And August 12th is also the World Elephant Day. ये August 2012 में शुरू हुआ था and it is to bring attention for the Asian and African elephants जिनकी numbers decline होते जा रहे हैं. The next is August 13 is the World Organ Donation Day and इसका aim है कि आप organ donate करो और लोगों की जान बचाओ. Now August 15 was the Independence Day of India and this time it was the 73rd Independence Day. Mr. Modi said few of some important points in his speech. The first point was that the government would be spending rupees 100 lakh crore in the infrastructure building. And second point is about Jal Jeevan Mission. This mission is to provide every individual safe drinking water. Now we'll be discussing about some sports news. So, two badminton champions of India, Ms. PV Sindhu and Saina Nehwal, they have retained their top 10 place in the badminton as 5th and 8th positions. The first position is by Japan's Akane Yamaguchi. Then, Vinesh Fogart has won her 3rd gold medal in Poland Open Wrestling Tournament, which is happening in Warsaw. Again, the next news is about wrestling. So, this person in the middle is Deepak Punia. He is now the first Indian to win the Junior World Championship title. This is happening again in Europe, that is in Estonia. The next news is कि इंडिया ने फिजिकल डिसेबिलिटी T20 वर्ल्ड कप सीरीज 2019 जीत लिया है इंग्लैंड को हरा के एंड ये इंग्लैंड में ही हुआ है. द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो अब हम फर्स्ट न्यूज़ इसमें डिस्कस करेंगे सुपर अर्थ के बारे में. तो अभी रिसेंटली नासा के साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है सुपर अर्थ. इसका साइंटिफिक नेम है J357D एंड इसको नासा की ट्रांसलेटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने खोजा है. टेस है इसका शॉर्ट फॉर्म एंड इसे कहा जा रहा है सुपर अर्थ इसीलिए भी क्योंकि ये अर्थ जैसा है और अर्थ से बड़ा है और ये काबिल है कि इट कैन सस्टेन लाइफ आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम. यहाँ पे पानी के मौजूद होने की संभावनाएं हैं. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल. इसकी
टेस्टिंग की गई चांदीपुर उड़ीसा में बाय DRDO एंड इट इज़ अ सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट मिसाइल. 25 to 30 किलोमीटर्स इसकी रेंज है और इसको ट्रक के ऊपर पे माउंट करके लॉन्च किया जा सकता है. एंड प्लीज़ रिमेंबर इट इज़ अ सरफेस टू एयर मिसाइल. आपसे एग्जाम में पूछ सकता है. द लास्ट सेक्शन इज अबाउट ऑर्बिट्यूरी. सो द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ कैफे कॉफी डे चेन्स मिस्टर वी जी सिद्धार्थ हेगड़े डाइड ड्यू टू द फाइनेंशियल बर्डन एंड स्ट्रेस. द नेक्स्ट न्यूज इज आवर बिलव्ड फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिसेस सुषमा स्वराज शी पास्ड अवे ड्यू टू अ हार्ट अटैक. एंड द लास्ट न्यूज इज द नोबेल प्राइज लॉरिएट मिसेस टोनी मॉरिसन शी डाइड एट द एज ऑफ 88 एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. So thank you so much. I hope you guys like this video. If you guys have any doubts, please post it on the comment section and do not forget to share it with your friends, because knowledge is to be shared. The more you share, the more you gain. Thank you so much, guys.